आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा है जो ठीक होना चाहिए, गलत हो रहा है, जो आपको लगता है? सबसे बड़े तीन मुद्दे हैं, एक रोजगार, युवाओं को रोजगार चाहिए, और उसके बाद महंगाई, महंगाई पे भी काम करना चाहिए सरकार को, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो लड़कियों के लिए सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यही रहता है, क्योंकि लड़कियों में सिक्योरिटी नहीं है आजकल, और सोशल मीडिया से थोड़ी कनेक्टिविटी के कारण वही मतलब कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी भी बहुत ज्यादा चल रही है, तो रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में कम करनी चाहिए। और उसके बाद में ये फौज पुलिस के लिए लड़का मतलब सबसे ज्यादा गाँव शहर से फौज पुलिस में लड़का ज्वाइन करना चाहता है, वही मतलब सरकार ने अग्निवीर कर दिया 4 साल के लिए परमानेंट बोले, 50% परमानेंट करेंगे, लेकिन कोई भी परमानेंट अभी हुआ नहीं है अभी, क्यों 4 साल उनके पूरे हुए नहीं, इसके बाद भी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हो जाएंगे 4 साल बाद परमानेंट कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे वो, मतलब उसने कोई भी लीगल नोटिस नहीं दिया, और एग्जाम जो होते हैं वो लीक तो करती है ये सरकार, लीक हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, वो अपोजिट पार्टी वाले कर रहे हैं ये सब, और ये बहुत ज्यादा लीक का बहुत ज्यादा मैटर है। मैं सर 6 साल से तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस के, इस बार फिर एग्जाम दिया था, 6 साल से 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर, इस बार मैंने फिर यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तो इसमें भी लीक हो गया। इससे पहले मतलब करप्शन ऐसा था सर, मैंने 3 बार एसएससी जीडी के थ्रू एग्जाम दे चुका हूँ फोर्स लाइन का, तो वहाँ पे भी रिश्वत खोर चल चलती है, मेरा मेडिकल इशू हुआ था सर, उधर रिश्वत मांगी जाती है, मतलब रिश्वत वही है, पहले रिश्वत खुल के मांगी जाती थी, अब रिश्वत छुपे छुप कर मांगी जाती है, लेकिन रिश्वत मांगी जाती है आज भी सिस्टम में, करप्शन अभी भी है, करप्शन है अभी भी सर, वो बस पहले खुल के था अब थोड़ा मतलब, लेकिन करप्शन अभी भी है बहुत ज्यादा सर, मतलब वही जो अभी दोस्त ने बोला, अभी आप सैफ ही चले जाओ कोई जांच नहीं हो रही हो, उसके लिए आप कंपाउंडर को या वहां के किसी गार्ड को पैसे दो, वो आपकी जांच करवा देगा, मतलब रिश्वत तो चल रही है सर, रिश्वत को भी कम करना चाहिए, और महंगाई भी सर कहाँ, पहले 30 रुपए 32 रुपए किलो चीनी आती थी, आज वो 45 रुपए 42 रुपए 44 रुपए चल रही है, तो रिश्वत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, पेट्रोल के दाम भी बढ़े 60 रुपए से लेके अभी 96-94 रुपए पैसे 94 रुपए, इतनी पेट्रोल महंगाई बढ़ गई है, मतलब हर चीज में सर सरकार ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, तो वो थोड़ी कम करनी चाहिए सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।